अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम बनाने लगे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग ऑमलेट। इसमें हम टमाटर और स्प्रिंग ऑनियन का इस्तेमाल भी करेंगे, और अगर आपके पास चीज़ है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलें जी, बनाते हैं एक बहुत ही डिलीशियस ऑमलेट। इस आमलेट को बनाने के लिए हम 4 अंडे ले लेंगे और इन्हें हमने तोड़कर एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। और इसके साथ हमने इसमें 2 पिंच काली मिर्चें और 2 पिंच ही नमक शामिल कर देना है। इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि नमक और मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। आपको पता है कि अगर हम इन्हें अच्छी तरह मिक्स ना करें तो अक्सर ही ऑमलेट में नमक की गुठलियां महसूस होती हैं। तो अब अगले स्टेप में हमने स्प्रिंग ऑनियन को बारीक बारीक काट लेना है। तो आप जानते हैं कि ऑमलेट में इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बढ़ा देता है। अब प्याज भी हमने बारीक चॉप कर लेने हैं, और उसके बाद जो टमाटर हैं उनकी बारी आ गई है, उन्हें भी हम काट लेंगे। तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं और वज़न अपना कम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑमलेट है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद हैं। तो अब एक पैन में हमने 1 स्पून मक्खन ले लेना है। आप मक्खन की जगह पर जैतून का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पैन में हमने प्याज को शामिल कर देना है और इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और इसके अलावा इसमें अब हम टमाटर ऐड कर लेंगे, उन्हें भी हमने ज़्यादा नहीं कुक करना, और सब्ज़ प्याज जो है वो शामिल करेंगे। तो इन सब चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट के लिए ही हम पकाएंगे। और अब इसमें 1 पिंच जो है नमक और काली मिर्चें पाउडर भी ऐड कर लेंगे। तो इन सब्जियों को अब हमने 1 प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है, और उसी पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन हमने और शामिल कर लेना है, और फिर जो अंडों का मिक्सचर था अब वो इसमें शामिल कर देंगे। इस पैन में फ्लेम को हमने बिल्कुल कम रखना है, और फिर अंडों की एक साइड पर हमने जो सब्जियां सोटे की हुई थी वो फैला देनी है, और दूसरी साइड पर हम चीज़ फैला देंगे। जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो उसके बिना भी आमलेट बहुत ही टेस्टफुल बन जाता है। चीज़ की जगह पर आप सॉसेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जी, अब ये अंडों का जो मिक्सचर है वो हाफ कुक हो गया हुआ है, तो अब हम इन्हें फोल्ड कर लेंगे। मेरा मतलब है कि हुण तुसी इहदा पलटा मरवा दो और दोनों तरफ से इन्हें पका लेना। तो लें जी, बहुत ही मज़े का मील तैयार हो गया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं बहुत ही एहतियात के साथ, ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। 2 लोग ये आमलेट इजीली खा सकते हैं। मैं हर दूसरे दिन इसे बनाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताया करें, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो किसी नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक गुड बाय।